नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम, आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी आज का वीडियो थोड़ा सा हटके है, प्रोसेस के बारे में है। और खास तौर से अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई है, डंकी। डंकी मूवी में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, एक्चुअली ये लोगों को पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने सोचा कि शायद ये एक इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है अगर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। आप जैसे जब भी कोई चीज देखते हैं, ऑब्वियसली कोई भी चीज प्रोसेस करते हैं, समझते हैं, अप्लाई करते हैं, उन चीजों के लिए अलग अलग एंगल होना बहुत जरूरी होती है। जैसे आप अगर कोई भी चीज डिफरेंट एंगल से देखो तो आपको अलग दिखेगी, और दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको अलग दिखेगी। सो दोस्तों, अभी जैसे आप जब ये वाली मूवी है, जिन लोगों को विदेश जाना है उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये टंकी का प्रमोशन नहीं है, ये पॉइंट ये है कि इसमें जो जो समझाया गया, जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो है कि डोंकी एंट्री ही गलत है, इसको प्रोसेस नहीं करना चाहिए। और हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कोई भी कैंडिडेट डोंकी एंट्री के माध्यम से जाए। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि डोंकी एंट्री होती क्या है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं। और बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं बता सकते, वो आप एक बार मूवी देखेंगे तो आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। और डंकी एंट्री के ऊपर मैं एक बार डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा समय बाद बनाऊंगा, अभी तुरंत वीडियो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें से पूरा R&D के साथ में आपको पूरे फैक्ट के साथ में चीजें देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, डंकी एंट्री एक प्रकार से एक ऐसा प्रोसेस है जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं वो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को किसी कंट्री का वीजा नहीं मिला, किसी भी देश का, जैसे मान लीजिए यूरोप का, US, कनाडा का, खास तौर से इन देशों के लिए डंकी एंट्री होती है। मैक्सिमम लोग की मीन्स जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो US, कनाडा, UK, मीन्स ये जो यूरोप की किसी कंट्री में, या फिर UK हो, या फिर US या कनाडा, यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स जाते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि वो वीजा लेके नहीं जाते हैं। अब जैसे कोई भी देश होता है, अपना ही देश देख लीजिए, अपना देश एक बहुत बड़ा बॉर्डर है। अब बॉर्डर में हर जगह तो फोर्स नहीं होती है, इसमें से कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर आवागमन कर सकते हैं, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन एक प्रकार से कुछ चीजों को ध्यान में रख के कर सकते हैं। और इन्हीं चीजों का फायदा जो डंकी एंट्री करने वाले लोग होते हैं वो लेते हैं इसमें। मिस इसमें भी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिनका चेन सिस्टम बना होता है, वो इस पर काम करते हैं। लेकिन नुकसान क्या होता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अगर देखेंगे ना, हमारे देश का जो पासपोर्ट है ना, वो काफी नीचे हो गया है। पहले ये काफी अच्छा था, धीरे धीरे करके डाउन होता जा रहा है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सिंगापुर नंबर 1 पासपोर्ट होल्डर बन गया, मीन्स सिंगापुर का पासपोर्ट नंबर 1 हो चुका है वर्ल्ड में। उसका रीजन क्या है कि आप जो भी किसी भी कंट्री की जो रैंकिंग होती है, जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग होती है पासपोर्ट की, उसमें से वहाँ के सिटीजन्स, वहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर उनकी तरफ से कोई भी चीजें गलत होती हैं, कोई क्राइम होता है, या कोई नियम को ब्रेक करते हैं, उसका असर पासपोर्ट की रैंकिंग के ऊपर जरूर पड़ता है। पहले नंबर 1 जो पोजीशन थी वो जापान की थी, लेकिन अभी 2023 में ये जो नंबर 1 पोजीशन है वो सिंगापुर की हो चुकी है। और हमारे देश की जो पोजीशन है वो काफी डाउन हो गई, और डे बाई डे नीचे होती जा रही है। और यहाँ पर डंकी एंट्री, ओवर स्टे, इलीगल रहना, विजिट वीजा पे जाके वहां पर इलीगल स्टे कर जाना, ये सब चीजों की वजह से पासपोर्ट के ऊपर असर पड़ता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको बाहर जाना है तो उसके लीगल तरीके भी, लीगल के भी कई तरीके होते हैं, लीगल प्रोसेस भी कई तरीके से की जा सकती है। अब मेन चीज क्या होती है कि लोगों को जो सिंपल वे है वो कम पसंद आता है, लेकिन इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो उनको डिटेल में पता नहीं होता, दूसरा ये होता है कि शायद उतने लंबे उसमें कौन जाएगा। जो डंकी एंट्री होती है, डंकी एंट्री में कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। आपने कई न्यूज सुनी होंगी कि US बॉर्डर पे ये हुआ, वो हुआ, इतने लोग मर गए। ये कब आता है? जब कोई मिस जब कोई इंसिडेंट होता है, दुर्घटना होती, तभी ये न्यूजें आती हैं। अदरवाइज जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बर्फ में ही दब गए, कुछ लोग जंगल में खो गए, किसी का कुछ पता ही नहीं चला, किसी की बॉडी रिसीव नहीं हुई, तो ऐसे लोगों का न्यूज भी नहीं आ पाता है। सो पॉइंट ये कि अगर आप एक सपना बनाने के लिए बाहर जाने वाले हो, तो सपना बनाने के लिए तरीके होते हैं। उसमें से आप डंकी एंट्री वाला पॉइंट तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट न करें, ना उसको फॉलो करें, क्योंकि ये बिल्कुल एक प्रकार से सजेस्ट करने वाला पॉइंट ही नहीं है। कई लोग इसमें आंख बंद करके जाते हैं, और मैंने कुछ लोगों को देखा है कि डंकी एंट्री का जो इफेक्ट क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि जब मैं डंकी मिस सर्बिया गया था, तो वहां पर जो कई लोग थे, उन जो डंकी एंट्री करने वाले थे, उन लोगों की वजह से काफी लोगों को वहां पर स्टॉप कर लिया था। लगभग 38 लोग थे, तो
38 लोगों को उन्होंने एयरपोर्ट पे ही रोक लिया था, साथ साथ में मुझे भी रोका था। हम लोग विजिट के लिए गए थे, कुछ काम था ऑब्वियसली, लेकिन वहां पर 24 आवर्स के अंदर हमें ये चीज देखने को मिली कि ये जो डंकी एंट्री वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ कितनी बदतर हो सकती है। डंकी एंट्री करने वालों का जो एक स्टेटस होता है, जैसे मान लीजिए एक जो मिस स्टेटस वर्ड नहीं बोलेंगे यहाँ पर, जो उनका जिस रास्ते से उनको गुजरना पड़ता है, जो उनका अनुभव होता है, वो अनुभव बहुत ही खतरनाक होता है। जब कहीं पर भी कोई अगर डंकी एंट्री वाले पकड़ ले जाते हैं तो उनको एक ही कमरे में ठूंस दिया जाता है। अब मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, एक ही कमरे में रहते हैं। अब वहां पर उनको एक दिन दो दिन दस दिन पंद्रह दिन जितना भी टाइम होगा वहां पर उसी जगह रहना होगा, खाना पीना सब कुछ वहीं करना होगा। आप ये सोचो कि कोई भी कैंडिडेट कोई भी इंसान जब अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए जाते हैं और ये जो चीजें उनको पता नहीं होती, ये चीज बाहर नहीं आती है। लोग क्यों प्लान नहीं करते हैं? क्योंकि जो चीज बाहर दिखती है वही चीज लोग फॉलो करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाऊं। एक बार मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा लेकिन थोड़ा टाइम रहेगा तब। फिलहाल के लिए तो अभी जो भी भाव आए हैं सोचा कि आप लोगों को शेयर करूं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आप बाहर कहीं पर भी जा रहे हैं किसी बॉर्डर में, एक तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया कि आप ऑब्वियसली ऑलरेडी ही एक इलीगल हो गए। इलीगल के साथ में आपके ऊपर कोई भी केस लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंट्री में पकड़ गए ना, तो आपके पास दो ही ऑप्शन, उनके पास दो ही ऑप्शन होंगे। अगर उन्हें लगा तो शायद आपके ऊपर कोई केस भी लगा सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं या फिर वापस इंडिया डिपोर्ट कर सकते हैं। तीनों ही केस में आपको नुकसान है। आपका जो एक प्रकार से जनरली देखते हैं अपना सिविल स्कोर होता है पैन कार्ड पर, वैसे पासपोर्ट का भी स्कोर होता है। पासपोर्ट स्कोर जितना डाउन होता जाएगा उतना ही आपकी प्रोफाइल डाउन हो जाएगी और फ्यूचर में बहुत नुकसान होता है उस चीज का। तो अभी जैसे मान लीजिए जो लोग भी इलीगल जाने का प्लान करते हैं वो लोग एक चीज देख लें कि राइट काउंसलिंग की जरूरत है, राइट गाइडेंस की जरूरत है। राइट गाइडेंस के हिसाब से अगर जाएंगे ना, उनको सही गाइडेंस सही मार्गदर्शन मिलेगा तो वो एक प्रकार से अच्छे तरीके से सरल रास्ते से जा सकते हैं। आप किस देश की बात करेंगे, किसी भी देश में प्लान करो, हर देश में कुछ उनके गाइडलाइंस होते हैं और उसको फॉलो करते हुए आप वहां पर लीगल वे में जा सकते हैं, इलीगल वे में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर जैसे अभी डंकी एंट्री में एक कॉन्सेप्ट और दिया गया है कि लोग जब किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां पर जैसे वहां का सिटीजनशिप लेने के लिए वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं हटते हैं। जैसे मान लीजिए एक जो क्लॉज आता है उसमें बहुत सारे क्लॉज आते हैं, उसके हिसाब से पहला क्लॉज यही होता है कि कोई भी वहां पर एक तो मैरिज वाला पार्ट होता है, दूसरा इसमें ये रहता है कि इन्वेस्टमेंट करो, तीसरा ये होता है कि SLM करके एक ऑप्शन दिया गया उसमें कि अगर आप आपको अपने देश में नुकसान है खतरा है तो आप वहां पर जा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है आप सोचो ना कितना तकलीफ होती होगी जब ये पॉइंट्स पर लोग एग्री होते हैं और इंडियन सिटीजनशिप वाले हैं और वहां पर जाके वो अगर इस कॉन्सेप्ट पर एक्सेप्ट कर लेते तो सोचो फ्यूचर कितना भी कैसा हो लेकिन उनकी आत्मा को क्या फीलिंग होती होगी ये आप समझ सकते हैं। हो सकता है कई लोगों को इसमें कोई परेशानी ना हो लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी भारत का नागरिक होगा उसको ये फीलिंग जरूर आएगी कि अपने देश को कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जिस देश में पैदा हुए उस देश जैसा कोई भी देश नहीं है, अपने देश जैसा खूबसूरत कोई भी देश नहीं है। और यहाँ पर जो भी चीजें हैं कहीं का भी एनवायरमेंट देखो, लेबर के प्रति लोगों के प्रति जो भाव अपने देश में होता है, ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, अपने यहाँ पर बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अगर सभी परेशानियों के साथ में अगर हम सभी खूबियों को देखेंगे ना तो अपने देश से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट पैसा और भी चकाचौंध वो सब चीजें अलग बात है, लेकिन जो इंसानियत वाला पार्ट है, जो हमारे देश में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक दूसरे के प्रति सपोर्ट वाला पार्ट है, ह्यूमैनिटी वाला पार्ट है, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग दिखावा करते हैं। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने नोटिस किए और फिर बाद में जो भी लोग प्लान कर रहे हैं एक बार थोड़ा आरएनडी करें, क्योंकि डंकी एंट्री इज नॉट अ गुड आइडिया। जैसे मान लीजिए जॉब जब किसी को अब्रॉड जाने के लिए प्लानिंग करना है तो आरएनडी करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे के ऊपर ब्लाइंड फेथ कर देते हैं। ब्लाइंड फेथ करने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं पर भी अप्लाई करो, किसी भी एजेंसी के पास अप्लाई करो। किसी भी एजेंसी के पास अप्लाई करने के लिए आप फ्री हो, डेफिनेटली कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। आप आरएनडी जरूर करें, किसी भी प्रोफाइल में अप्लाई करने के लिए आरएनडी करें, किसी भी चीज के बारे में अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में आरएनडी करें। आरएनडी करना बहुत जरूरी है।
बहुत से लोग R&D नहीं करते हैं और यही सबसे बड़ा रीजन होता है। और जैसे मान लीजिए कहीं पर वीजा नहीं लगना या कोई भी चीज होना, इसके लिए लोग बोलते हैं कि हमें ऐसे ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस बहुत होते हैं, आपको इसके ऊपर खुद R&D करना होगा। ऐसा कोई भी मिस प्रोसेस नहीं है। अगर आप उसमें बेसिकली एलिजिबल हैं तो आप नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं 100% जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बाहर जाने के लिए, 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट हो वो विदेश जा सकता है, प्रॉपर तरीके से जा सकता है और वहां पर अपना करियर बना सकता है। करियर बनाए, अर्निंग करके वापस आए, वहां सेटल हो, ये उसकी खुद की मर्जी है, लेकिन सही तरीके से भी जाया जा सकता है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आप जो अपना R&D वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। सेल्फ R&D एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमेशा किसी के ऊपर ब्लाइंडली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इवन हम भी को बोलते हैं कि अगर हमारी तरफ से भी कोई प्रोसेस है तो अपनी तरफ से अपनी अपने पार्ट को आपको करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक अच्छा फ्यूचर बनाने वाले हैं। सो दोस्तों, ये जो पॉइंट्स जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो लोग जैसे कोई भी कंट्री या कोई भी प्रोफाइल के बारे में देखते हैं ना, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना कि आप बड़े बड़े सपने लेकर ना जाएं, एक प्रैक्टिकल रूप में जाएं। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि अगर सपने बड़े हों, रियलिटी और सपने में गैप हो तो फिर मायूसी होती है। इसलिए आप अगर ग्राउंड रियलिटी चेक करके जाएंगे तो उसमें से आपको दुख नहीं होगा। ऑब्वियसली देखो, आप करियर के लिए, पैसे के लिए, फैमिली सपोर्ट के लिए जो भी काम सब कर सकते हैं। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ये भी फैक्ट है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन पॉइंट ये कि जनरली जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें से लोगों को कई बार जो दूसरे लोगों को गलत मैसेज देते हैं। जैसे मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं। मैं जैसे कोई कैंडिडेट है, अब जैसे मार्केट में इतना फर्जी बड़ा होता है, फर्जी बड़ा होने में, आगे होने में जनरली कैंडिडेट खुद सपोर्ट कर देता है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी बंदे को किसी ने दुबई भेजा विजिट वीजा पे, ठीक है। अब विजिट वीजा पे दुबई भेजा और उसके बाद वहां पर उसको जॉब लगानी है, ठीक है। पॉइंट देखना कितना क्लियर है। अब ये भाई साहब जो भी गए दुबई, ये वहां पर कुछ दिन रहेंगे और कुछ दिन एक्साइटमेंट रहेगा उनका। एक्साइटमेंट में अपने दोस्तों को हर जगह बहुत बड़ी तारीफ कर देंगे कि दुबई में ऐसा है वैसा है, ये वो फलाना ढिकाना, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बुर्ज खलीफा बैठा हूँ, यहाँ घूमने जा रहा हूँ, वहां घूमने जा रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छी लाइफ बिता रहे हैं, ऐसा वो रियलाइज कराएंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। लोगों के दिमाग में सपना हो जाएगा, यार वो लड़का दुबई चला गया, बहुत अच्छा सेटल हो गया, लोगों के दिमाग में यह जाएगा। अब बाद में क्या होगा कि कुछ समय के बाद में जैसे जॉब्स के लिए जब सर्च करते हैं, इंटरव्यू होते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, फिर बाद में पता चलता है कि कहीं पर भी एज अ लेबर की जॉब $1,000 में दिरहम में कर रहे हैं। यहाँ से कमिटमेंट हुआ कि आप जाएंगे तो 2,000, 2,500, 3,000 मिलेगा, लेकिन जब बहुत सारे प्रयास करते हैं वो नहीं मिलता, फिर बाद में जब कंप्रोमाइज वाला पार्ट करते हैं तो फिर वो लोग जो मिस है, जो पर्सन जैसे मान लीजिए नाम देते थे मिस्टर ए, मिस्टर दुबई में है और वो विजिट वीजा पे गए, अब विजिट वीजा पे जाके उन्होंने अपने पूरे नेटवर्क में बता दिया कि हम ऐसा वहां जा रहा है, ये है वो फलाना ठिकाना, अपना इंप्रेशन जमाने के लिए। अब ये चीज जब वहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, हो सकता है 3 महीने का वीजा हो तो 2 महीना, 1.5 महीना ऐसे निकल गया उनका। उसके बाद में जब रिलेवेंट जॉब नहीं मिल रही तो इधर उनको एक डर हो गया कि अभी हमने सब जगह बता दिया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऐसा जा रहा हूँ, तो वापस जाऊंगा तो मेरी बदनामी होगी। ये फैक्ट से वो कई बार गलत प्रोसेस को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वहां पर जो कमिटमेंट हुआ 2,000 की सैलरी पे आपको भेजेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा कि इसी चीज के लिए जो पॉइंट रहता है कि 2,000 की सैलरी, लेकिन वहां जाके कभी कभी 1,200, 1,100, 1,000, इवन 900 दीरम पे भी लोगों को रेडी करके काम करवाते हैं और वो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि पॉइंट है कि पहले से ही वो इतना गलत बोल चुके हैं कि अब अगर गलत बोलेंगे तो वो खुद झूठे माने जाएंगे और लोग अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहते हैं। इसका असर दोनों को होता है, मीन्स ये मान लीजिए खुद को भी इसका नुकसान होता है और जो उनके नेटवर्क के लोग हैं वो भी बड़े 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 सपने उनके दिमाग में आ जाएंगे कि अरे हाँ मेरा दोस्त वहां गया, वो ऐसा गया, मैं भी प्लान करता हूँ। फिर वो कई लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट उससे हेल्प ना लेके कि उससे हेल्प लेंगे तो हेल्प हो जाएगी, किसी और सोर्स से जाएंगे, किसी और माध्यम से जाएंगे और उनके साथ में भी कोई गड़बड़ होगा तो वो बताएंगे नहीं, कि बोलेंगे अगर बताएंगे तो जो उसका दोस्त था वो तो अच्छे से गया, तो ये एक प्रकार से उसको बदनामी जैसा फील होगा। इस वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। अभी जैसे मान लीजिए आप अगर कहीं पर काम कर रहे हैं, जब आप हेल्पर काम कर रहे हैं तो हेल्पर बताने में क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ा कि आप अपनी प्रोफाइल के बारे में शोबाजी शो करें, या फिर नहीं बताना तो कुछ मत बताइए, लेकिन किसी को गलत पिक्चर नहीं देना है, गलत मैसेज नहीं देना है जिससे कि
लोग गलत तरीके से इंस्पायर्ड ना हो, मोटिवेटेड ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखो हम लोग इमिग्रेशन में हैं, हम चाहे तो ये पॉइंट को नहीं भी बताएं, लेकिन ये हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सही मार्गदर्शन है वो हमें आपको प्रोवाइड करना होगा। हमारा देश उतना ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए हमारे लिए करियर है, देश सबसे पहले है, देश सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है, और इसके लिए हमारे देश के लिए जो अच्छे स्टेप्स होंगे वो हमें लेना चाहिए। इवन हमारी तरफ से भी, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जैसे बिजनेस है, बिजनेस के लिए कस्टमर को हमें भेजना है, लेकिन नहीं, एथिकल वे होना चाहिए, नैतिकता भी रहनी चाहिए इसमें से। तो अभी जो भी कैंडिडेट जो प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, बाहर जाने का प्लान करो, बेशक करो, और हम उसमें गाइड करेंगे आपको, हमारी तरफ से आपको काउंसलिंग मिलेगी, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे हम लोग, लेकिन R&D प्रॉपर करके जाए और कोई भी गलत मैसेज वहां से ना भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा। गलत का मतलब मेरा पॉइंट समझो कि आप चीजों को बढ़ा चढ़ा के मत भेजें। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, किसी भी जगह काम कर रहे हैं, रियलिटी बताने में क्या परेशानी है? अगर आप कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है वहां पर किसी होटल में क्लीनिंग का काम करता है, तो क्लीनिंग का काम करता है, क्या परेशानी है? आप ये सोचो, हमारे देश में ऐसा फैक्टर होता है, बाकी किसी भी देश में जाओ हर जगह लोग क्लीनिंग का काम तो नहीं होता क्या? सब जगह होता है, हर देश में गंदगी होती तो वहां पर क्लीन करने वाले लोग होते होते हैं, कहीं पर बिल्डिंग बनती तो वहां पर कंस्ट्रक्शन काम करने वाले होते हैं। तो जब जैसे अमेरिका के लोग हैं, यूके के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, पोलैंड के लोग हैं, ये लोग कभी भी अपने काम को छिपाते नहीं है, वो जो काम करते बता देते हैं। लेकिन हमारे देश में पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को अपना रियल काम बताने में इश्यू होता है। उन्हें लगता है कि शायद अगर बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे अरे वहां पर जाके ये कर रहे हैं, शायद उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत गलत पॉइंट है, मैं इसके बिल्कुल विरोध में रहूंगा कि जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पे भी जा रहे हैं आप, वहां पर उनको उसके हिसाब से जो रियलिटी है वो बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि बाकी लोग मोटिवेटेड होंगे लेकिन सही दिशा में होंगे, गलत दिशा में मोटिवेटेड नहीं होंगे। और एक्चुअली ये मूवी का यही उद्देश्य है, लोगों को प्रॉपर तरीके से जागरूक करना। जनरली देखा जाए हम लोग लकी इंसान है कि हम ऐसी मूवी को देख पा रहे हैं, नहीं तो ऐसी मूवी बनती नहीं आजकल जो एजुकेशनल वाली मूवी हो। और एक्चुअली सच में बहुत धन्यवाद देंगे उस पूरी टीम को जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और ये हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक ब्लैक पार्ट है, डंकी वाला पार्ट, बहुत बड़ा ब्लैक पार्ट है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद आप लोगों को ये चीज पता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि सैटरडे के दिन जो लाइव सेशन होगा, इसमें हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, और उसमें से कई फैक्ट वाली चीजें भी आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। जो प्रोसेस है वो ऑथेंटिक रहना चाहिए, आपकी R&D जो बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप प्लानिंग करके जाओ, आप दुबई जाओ, आप यूके जाओ, आप जर्मनी जाओ, यूएस जाओ, कनाडा जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको कहीं ना कहीं काम तो करना ही है, वहां पर जाके आप किंग तो बन नहीं जाएंगे। तो जो रियलिटी है, रियलिटी के हिसाब से रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें से आप अगर किसी को गलत बोलते हो तो पता आपको किसको गलत बोलते हो, अपने ही चाहने वालों को गलत बोलते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपने बोला कि आप क्लीनिंग का काम करते हो, अरे बढ़िया मस्त है, होटल में काम करता हूँ मैं, कंपनी वाले हमें खाना देते हैं, पीना देते हैं, सब कुछ, एक लाइफ बहुत अच्छी है, तो इसमें पता मैसेज किसको जाएगा? जो आपके करीबी लोग हैं वो इंस्पायर्ड होंगे, दूसरे लोग नहीं होंगे। जो करीबी लोग हैं, जो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके घर के हो सकते हैं, गांव के हो सकते हैं, जो आपके ऊपर फेथ करते हैं वही लोग प्रभावित होंगे। तो उनको गलत मैसेज क्यों देते हैं? कभी नहीं देना चाहिए, और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज आपको फील करना चाहिए कि आप कोई भी चीज है वहां की रियलिटी को बताएं। हाँ ये फैक्ट है, रियलिटी को आप जैसे जो जिन चीजों को लगता है कि आपको वो बताने से आपको नुकसान हो सकता है तो वो मत बताएं, लेकिन रॉन्ग मत बताएं, बढ़ा के मत बताएं। तो ये चीज है। सो दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत लंबे समय तक बोल सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को रिकमेंड करेंगे एक बार ये, अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ये मूवी जरूर देख लें, और उसमें से फिर आप R&D करेंगे तो बहुत सी मदद आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।